हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। यहाँ पे मैं बाथ लेके आई थी तो और आके थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्रीम। और सुकीरत मेरे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में देख रही है, लिपस्टिक्स फाइंड आउट कर रही है और ये देख रही है इसके हाथ में लिपस्टिक और ये ट्राई कर रही है, बट इसने लगाई नहीं थी और बट ये ट्राई कर रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। तो ये देखना बीच बीच में ना ट्राई करके ये चेक कर रही है लिप्स की, मेरे देखो लिप्स कैसे लग रहे वो देखो। और यहाँ पे मैं बस मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हूँ। मैं ना आपको दिखाना भूल गई वो क्लिप, बीच में ना मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, वो बीच में कट गई कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ कर रही थी तब। और यहाँ पे मैं कॉम कर लूँगी और थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद क्योंकि मुझे सुकीरत को सुलाना भी है सो इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो रही थी। तो बस कॉम करने के बाद जस्ट लिपस्टिक लगाऊँगी बस, और कुछ भी नहीं रहता मेरा मेकअप का। तो यहाँ पर बहुत क्यूट लग रही थी सुकीरत मेरे साथ, देखो मेरे देख भी रही है और लिपस्टिक भी थोड़ा थोड़ा ना लगा रही है। देखो ये देखो लगा के फिर मिरर को देख, मिरर में देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो सो क्यूट। ये ऐसे ऐसे काम करती है। और चलो फिर आगे देखो आप वीडियो को। और यहाँ पे मैं पूजा करके आई हूँ शाम की और सारा काम घर का हो गया है, पानी वगैरह मैंने फिल कर लिया था। और सुकीरत यहाँ पे खेल रही है अपने पॉप अप वाले पटाखे लेके, और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, जोत जगा ली है, तो बाकी के थोड़े से काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है और पीछे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लगा हुआ था क्योंकि बाहर आग जलाई हुई थी और लाइट ना मैंने छोटी सी जलाई हुई है। और ये मैं अभी खाने वाली हूँ समोसा। तो समोसा किसको पसंद है और क्यों ना समोसा ASMR भी होना चाहिए या नहीं ज़रूर बताना कमेंट करके। सो समोसा खाने के बाद फिर मुझे घर का काम भी करना है। आज बनेंगे मटर वाले परांठे, सो जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मटर के परांठे बनाने के लिए मैंने ले लिए जीरा और लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च, देन तेल ले लिए, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया हुआ है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। फिर ये देखिए मेरी कढ़ाई सूख चुकी है, पानी सोख लिया है इसने, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल, देन इसमें मैं ऐड कर दूँगी जीरा। तो उसको अच्छी तरह से मतलब रेड होने देंगे। फिर उसके बाद आप ऑप्शनल भी है, आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो, बट मैंने इसमें प्याज नहीं डालते। तो लहसुन और हरी मिर्च मैंने ऐसे ही खड़े ही डाल दिए क्योंकि इसको हमने मिक्सी में पीस ही लेना है। सो इसको ऐसे ही मैंने एज इट इज़ डाल दिया और इसको अच्छी तरह से रेड होने तक फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। देन उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे मटर। तो मटर डालने के बाद हम इसमें फिर डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले। और यहाँ पे देखिए मेरी मिर्ची और जो लहसुन है वो रेड रेड होना स्टार्ट हो गया, वो अच्छी तरह से पकने लग गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने मटर ऐड कर दिया इसमें। देन हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। तो इसको अच्छी तरह से फिर कर लेना है फ्राई थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, मतलब 2-4 मिनट के लिए भी या 5 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देना, तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम गैस को कर देंगे ऑफ़। ये देखिए मैंने ये डाल दिए ना मसाले, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मसाला देखो ये मैं दिखा रही थी, मसाला मेरा काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना ये। तो ये मेरा हो चुके है अच्छी तरह से पक चुके हैं मटर थोड़े बहुत। फिर उसके बाद हम अभी कर देंगे गैस को ऑफ, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे। तो ये मैं इसको गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है, तो चलो वेट करते हैं फिर इसको ग्राइंड करने के लिए। और देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर मैं देखने आई थी, इसमें मैंने अलग से दोबारा से ना नमक ऐड किया था क्योंकि नमक बहुत कम लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें नमक अलग से ऐड कर दिया था पहले ही।
मटर डाल दिया है। मटर डालने के बाद ना मुझे याद आया कि धनिया भी पड़ा है, तो धनिया से टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, तो मैं धनिया मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब इसको कर देते हैं हम ग्राइंड। ग्राइंड के लिए इसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है हल्का हल्का पीसने में। सो ये देखिए मेरा हो चुका है और हल्का सा इसमें मटर के आपको दाने भी नज़र आ रहे होंगे, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और चलो बस इसको फिर टेस्ट करते हैं, बनाते हैं इसके परांठे। तो परांठे देखो मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखो मटर के परांठा मेरा बन चुका है। और सुकीरा मुझे बहुत तंग कर रही थी, वीडियो बनाने नहीं दे रही थी। साथ में मैंने ले ली चटनी और मैंने साथ में चाय भी बनाई थी। और ये देखो मैंने दो परांठे ले लिए। ये परांठा ना मेरा टूट गया था क्योंकि ये सबसे नीचे रखा होता, उठाते वक्त ना ये प्लेट में लगाते वक्त टूट गया था। तो ये देखो मैं कैमरा हिल रहा ना, सुकीरत मुझे ना वीडियो बनाने भी नहीं दे रही, कहती लेटो। और ये देखो कितने अच्छे ना मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सारे मटर दिख रहे हैं। जय वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। अब बेटा पापा की टीले बैठो, आ जाओ आ जाओ, पापा की टीले बैठे रहो, खेलन दो। इतने शाम को कितना कर दियो, नहीं लगता सुगेरत ये सारी जात। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आप अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, शो मी।